सब गाइस, आज हम देखेंगे एग्जिट पोल 2024 एक्सप्लेन्ड। क्या बीजेपी करेगी 400 पार? आपको क्या लगता है दोस्तों? मेरा तो कहना यह है सरकार बीजेपी की बन रही है और बननी भी चाहिए। बाकी देखते हैं कितने आएंगे वो नहीं पता, क्योंकि देश में लहर थी और अभी भी है। देखते हैं पूरी वीडियो, 1 2 3 गो। तो भाई लोगों, जब से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया से वैसे ही गायब हो गए जैसे गधे की सर से सी। अरे भैया, ये वो लोग हैं जो एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हम एग्जिट पोल को नहीं मानते और अगले ही सेकंड दुनिया से नजरें बचाकर बाथरूम में जाकर रो लेते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि अभी तो सिर्फ एग्जिट पोल के रुझान आए हैं तो उनका ये हाल है, कल को जब असली नतीजे आ जाएंगे तो ये किसी पतंग से लटक कर दूसरे गोले पर ही न चले जाएंगे, दूसरे गोले पर। बट जोक्स अपार्ट, एग्जिट पोल के रुझानों ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि मोटा मोटी ये उम्मीद तो सबने ही की थी कि बीजेपी जीत जाएगी, मगर जिस तरीके से ये सारे एग्जिट पोल बीजेपी को एनडीए को 350-400 सीटें दिखा रहे हैं, उसने सबको सरप्राइज कर दिया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बीजेपी पहले ही 2019 में अपने पीक पर पहुंच गई थी, वो इस बार पहले से भी ज्यादा सीटें ला रही है? आखिर क्या वजह है कि 10 साल राज करने के बाद भी मोदी की पॉपुलैरिटी पहले से कहीं ज्यादा हो गई है? और वो कौन कौन से राज्य हैं जो आज तक बीजेपी की रीच से दूर थे, मगर इस इलेक्शन में बीजेपी ने वहां भी कब्जा कर लिया? तो आइए एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब देते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो शेयर करके और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। केजरीवाल जी, अगर इजाजत है तो शुरू करें। करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। तो फ्रेंड्स, एग्जिट पोल को लेकर अब पूरी तस्वीर साफ हो गई है। देश के 10 मीडिया हाउसेस ने जो एग्जिट पोल करवाए हैं उनमें हर किसी में एनडीए की सरकार बड़ी आसानी से बन रही है। अगर मैं इन सभी एग्जिट पोल की गई प्रेडिक्शन के बेस पर एवरेज नंबर बताऊं तो एनडीए को इन चुनावों में 360 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और इंडिया अलायंस को 123। मतलब सरकार बनाने के लिए जो 272 का मैजिक नंबर है, एनडीए उससे भी 88 सीटें ज्यादा लाती दिखाई दे रही है, और वहीं इंडिया अलायंस इस मैजिक फिगर से 150 सीटें कम लाता दिख रहा है। अब आप इन एग्जिट पोल को कितना ही बड़ा फ्रॉड क्यों ना बता दें, ये कितने भी इधर उधर क्यों ना चले जाएं, फिर भी इस बात के चांसेस बहुत कम है कि असल रिजल्ट में एनडीए की 80-90 सीटें कम हो जाएं और इंडिया अलायंस की 150 सीटें बढ़ जाएं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आखिर वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां इस बार बीजेपी ने सबको सरप्राइज किया है और किस किस सर्वे में एनडीए को 400 सीटें मिल रही है, उन सबसे पहले दोस्तों, जिन 10 एग्जिट पोल के सर्वे का मैंने जिक्र किया है उनमें 9 में एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें दी गई। इसके अलावा आज तक एक्सिस माई इंडिया बीजेपी को 361 से 401 सीटें दे रहा है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का सर्वे बीजेपी को 400 सीटें दे रहा है और एनडीटीवी जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को 375 से ज्यादा सीटें मिलने की बात की गई है। और अगर आप इनसे भी हैरान नहीं हुए तो आप सुनिए, ज्यादातर एग्जिट पोल के हिसाब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी 42 में से 25 से 28 से सीटें जीतकर नंबर वन पार्टी बन सकती है। इसी तरह तेलंगाना की 17 में से 8 से 10 सीटें बीजेपी जीत सकती है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ बीजेपी का अलायंस है और यहां पर ये दोनों पार्टियां 25 में से 21 सीटें तक जीत सकती है। ओडिशा में जहां आज तक बीजेपी और बीजेडी की बराबरी की टक्कर हुआ करती थी, इस बार बीजेपी वहां भी 21 में से 18 सीटें ला सकती है। तमिलनाडु में बीजेपी को 22% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं और वो वहां 2 से 4 सीटें जीत सकती है। पूरी उम्मीद है कि केरल जैसे स्टेट में इस बार बीजेपी का खाता खुले और वो 2 सीटें तक ले आए। नोट करने वाली बात यह है कि ये सब वो स्टेट हैं जहां बीजेपी या तो कभी नंबर वन पार्टी नहीं बनी थी या उसकी वहां से कभी सीट ही नहीं आई। इन स्टेट में अच्छा परफॉर्म करने का फायदा यह है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में जो 15-20 सीटों का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो इन स्टेट से आसानी से कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी को थोड़ा नुकसान राजस्थान और बिहार में भी हो सकता है। राजस्थान में राजपूतों और जाटों की नाराजगी के चलते बीजेपी शायद 2019 वाला परफॉर्मेंस न रिपीट कर पाए जब उसने 25 में से 25 सीटें जीती थी, मगर फिर भी बीजेपी राजस्थान में 20 सीटें तक ला रही है। उसी तरह मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। अगर बीजेपी सच में इन स्टेट में क्लीन स्वीप करती है तो ये बहुत बड़ा कमाल होगा, क्योंकि 3-3 इलेक्शन में एक ही स्टेट में सारी की सारी सीटें जीत जाना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। बीजेपी अगर एक बार फिर से 2019 जैसा या उससे भी बेटर परफॉर्म करने वाली है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर वो किसी एक स्टेट में या 2-3 सीट लूज कर रही है तो वो उसकी भरपाई ऐसे राज्यों से कर दे रही है जो उसके स्ट्रांग होल्ड नहीं थे। इसके अलावा यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी के जो गढ़ रहे हैं वहां तो अच्छा कर ही रही है। उम्मीद है बीजेपी इस बार यूपी में 80 में से 72 सीटें जीत सकती है, गुजरात और एमपी में सारी की सारी 26 और 29 सीटें जीत सकती है। बिहार में बीजेपी का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहेगा मगर जेडीयू को वहां 4 से 5 सीटों का नुकसान होगा जिसका असर बिहार में एनडीए की टोटल सीटों पर पड़ सकता है।
हम एक बार फिर से ये बात अंडरलाइन कर दें कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो एग्जिट पोल के रुझानों के बेस पर कर रहे हैं, मगर सच में यही रुझान अगर एक्चुअल रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इसे आजाद भारत की राजनीति की सबसे बड़ी घटना माना जाए। ऐसे टाइम जब किसी एक विधायक तक का दोबारा जीत कराना मुश्किल होता है, राज्य में किसी का दोबारा सीएम बनना भी आसान नहीं होता, इन सब के बावजूद अगर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भारत ही नहीं दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी। मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना यह साफ कर देगा कि लोग एक नहीं अनेक वजहों से उन्हें चाहते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें हिंदुत्व की राजनीति का सम्राट मानते हैं तो ऐसे भी लोग जो उन्हें मुफ्त अनाज जैसी योजनाएं चलाने वाला मसीहा मानते हैं। कुछ लोगों के लिए मोदी अगर पाकिस्तान का पक्का इलाज है तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि मोदी ने दुनिया में भारत का परचम लहराया है। अगर सच में तीसरी बार मोदी पीएम बनते हैं तो आपको मानना ही होगा कि लोग उन्हें एक नहीं कई वजहों से चाहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को हरियाणा पंजाब में कुछ सीटों का नुकसान हो, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के चलते हो सकता है उन्हें झारखंड में आदिवासियों का वोट भी कुछ कम मिले, अग्निवीर जैसी योजनाओं के चलते उसे राजस्थान में भी कुछ सीटों की नाराजगी झेलनी पड़े, लेकिन ओवरऑल सरकार को लेकर अभी भी ऐसा पर्सपेक्टिव है कि 10 साल बाद भी नरेंद्र मोदी एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज फेस नहीं कर रहे। और जैसा कि हर बड़े परफॉर्मर के लिए कहा जाता है कि उसका मुकाबला किसी और से नहीं खुद से होता है, जिस तरह से हर एग्जिट पोल में बीजेपी सदर्न स्टेट्स में अच्छा कर रही है, ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सामने ये चैलेंज रखा था कि वो इस बार दक्षिण के राज्यों में अच्छा करके ही रहेंगे और लगता है कि वो ऐसा कर ही रहे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या एग्जिट पोल के नतीजे रिजल्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, हाँ या ना? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में तो जरूर देना। प्रोबो मुझे अगर मेरे से पूछते हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है सरकार में, क्योंकि लोग अब एजुकेशन हासिल करने के बाद उनको ये पता लग रहा है, युवा लोगों को भी, युवा इन द सेंस युवा नेता नहीं, जो आप समझ रहे हो कि जो अपनी यंग जनरेशन है, को पता है कि सरकार जो स्कीम्स लेके आ रही है वाकई काम कर रही है ग्राउंड लेवल पर, जो वाकई में जिनको जरूरत है सरकार की हेल्प की गांव में लोगों को, उनको पता है, जो गरीब लोग हैं उनको पता है। नॉर्मल मीडिया वाले वो जैसे इंटरव्यू ग्राउंड लेवल पे जाके बात की, भाई शौचालय से लेकर घर तक राशन पहुंचाने से लेकर इलाज कर तक का 5 लाख तक का खर्चा, बहुत चीजें हैं जो ग्राउंड लेवल पर। आप यहाँ भाषणों में कह देना लाख रुपए हम दे देंगे ये दे देंगे, वादे बहुत लोग कर जाते हैं, लेकिन जो रियलिटी में जो उन्होंने वादे करे उन्होंने निभाए भी हैं। और एक जो बिल्कुल ही मतलब जो गरीब आदमी वो क्या एक्सपेक्ट करता है सरकार से कि भाई हमारे घर बनाने में हेल्प हो जाए, हमारी हमें खाने की सुख सुविधाएं हो जाए, क्योंकि मेहनती इंसान मेहनत तो करेगा ही, लेकिन बेसिक नीड एक खाना होता है। वो सब चीजें हुई हैं पूरी ग्राउंड लेवल पर। और फिर अगर हम बात करें सिटीज की तो डेवलपमेंट हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कह देते हैं एक्सप्रेसवेज का क्या जरूरत है, जबकि बड़े इंडिया में जिनको नंबर 1 पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है इंडिया, तो उस हिसाब से हर दूसरे घर में कितने व्हीकल है ये देख ले, ठीक है, एक बाइक एक गाड़ी तो है, वरना एक बाइक तो है ही एक घर में, और उसमें बोलने क्या जरूरत है। इंडिया में नौकरी सरकार से नहीं मिल सकती, नौकरी मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर से, जितने भी पढ़े लिखे लोग सबको पता है सरकार लिमिटेड अमाउंट ऑफ नौकरी दे सकती है, ठीक है, बाकी प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर तरक्की कब करेंगे, जब कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवेज बढ़िया होंगे, तो वही चीज। क्यों, किसी को अगर ऑफिस पहुंचना है जल्दी तो अगर बंदा अगर मान लो 10 किलोमीटर दूर फ्लैट ले रहा है वो पहुंच सकता है 30 किलोमीटर दूर भी, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी हाईवेज की होगी। वहीं पर फैक्ट्री से सामान पहुंचना होगा जहां 2 दिन लग जाते हैं खराब सड़क की वजह से, वहीं हाईवेज एक्सप्रेसवेज होंगे सामान और जल्दी पहुंचेगा। चीजें ऐसे होती हैं, रोजगार ऐसे बढ़ता है, ये सोच होती है। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप देख लो जो पिछले 10 साल रहे कितना हम सेफ इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी हम कैपेबल हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया ने तरक्की करी है, नाम रोशन करा है मोदी जी ने, देश का रिस्पेक्ट हासिल हुई है। और वो जब नाम रोशन किया है वो मोदी जी का नाम तो हुआ है, लेकिन उसके साथ पूरे देशवासियों का, इंडिया का भी थी कि वहां पे मोदी के लिए देश के प्रधानमंत्री, वो इंडिया भारत उस पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 140 करोड़ देशवासियों को, ये चीज है। और बाकी मुझे लगता है कि इसी रेंज में सीट्स होंगी, मेरे को लगता है 350 तो इजीली छू जानी चाहिए जो रिजल्ट आएगा। बाकी अगर 400 पार हो जाता है तो भैया हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड। मिलते हैं आपसे कपड़े के साथ, बाय बाय, टेक केयर।